नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज सोमवार के पहले कारोबार दिन गोल्ड का स्पॉट इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट 1926 डॉलर के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है सुबह के कारोबारी सत्र में। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी 25.1 डॉलर्स के करीब ट्रेड करती नज़र आ रही है। गोल्ड और सिल्वर के कारोबारों में देख रहे हैं कि आज भी सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबार दिन एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ ज़्यादा खास तेजी मंदी बनती नज़र नहीं आ रही है सोने चांदी की कीमतों के अंदर। आपको बता दें कि जब से US फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है 25 बेसिस पॉइंट की, यानी कि 0.25% की, उसके बाद से हमने सोने चांदी की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ देखा है। डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है, अमेरिकी डॉलर भारतीय डॉलर के मुकाबले तेज हुआ है, जिसका असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है और सोने चांदी एक रेंज में ट्रेड करती नज़र आ रही है। तो हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोने चांदी में क्या लेवल्स रहेंगे और क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। एक ऊपरी स्तर से गिरावट बनी है, ना ज्यादा तेजी देखने को मिली ना ही ज्यादा मंदी, सुस्ती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है अब सोने चांदी में यहाँ से रुझान कैसा रह सकता है? देखिए, अभी रुझान तो खैर पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता हो रही थी, अब उसको लेकर अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कोई भी जो है वो स्थिति जो है महत्वपूर्ण पॉजिटिव बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट जो है वापसी से तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी फिलहाल गोल्ड जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जरूर दिखा रहा है और अभी मुझे लगता है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने देखा 1900 डॉलर से वापसी करते हुए और 1926 डॉलर पर है, एक बार फिर से 1960 डॉलर तक ऊपर मार्केट दिखाई दे सकता है। जिस तरीके का अभी फिलहाल अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सोने और चांदी को फिलहाल सपोर्ट मिलता हुआ निचले स्तरों पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि 1940 डॉलर तक एक बार सोना ऊपर जा सकता है। वहीं रूपा जी, बात करें घरेलू वायदा की, तो घरेलू वायदा में सोने में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, घरेलू वायदा में भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव है और लगातार हम बाइंग आते हुए भी निचले स्तरों पर हमने देखी है और अभी जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी पॉजिटिव है। और यहाँ से भी आप मानकर चलिए कि 500-700 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि टाइम लगे मार्केट में थोड़ा सा पुशअप आने में, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट वापिस से तेजी की तरफ जा सकता है और 52,000 तक मुझे लगता है कि सस्टेन हो सकते हैं सोने के प्राइजेस। अभी 51,371 के आसपास हम देख रहे हैं, तो हम मानकर चलिए कि 52,000 तक की तेजी एक बार बनती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। हो सकता है कि ये लेवल देखने को मिले अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो। जी यहीं से रूपा जी, बात करें अगर अब क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं बढ़ोतरी देखने को मिली है। WTI 106 डॉलर पर है, ब्रांड क्रूड ऑयल 111 डॉलर पर, दोनों ही कच्चे तेलों में 3-3% से ज़्यादा की बढ़त है। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है अब कच्चे तेल में जो खरीदारी लौटी है इसके कारण क्या क्या है? कच्चे तेल में अब तेजी क्यों बनी है, जबकि पहले तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जब से अब जो कच्चे तेल की जो सप्लाई है आगे जाके ओपेक देशों पर प्रेशर पड़ने की वजह से बढ़ सकता है। दूसरा, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार्तालाप चल रही है उसकी वजह से भी जो युद्ध है वो रुक सकता है, जिसकी वजह से हमने कच्चे तेल में गिरावट आते हुए देखी थी। तो अब ये जो बढ़ोतरी हुई है ये क्यों हुई है? देखिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो दोनों देशों के बीच में जो बात हो रही थी कि कुछ एक शांति का प्रस्ताव निकल कर आ सकता है, फिलहाल वो आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। एक बार फिर स्थिति गहराती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कच्चा तेल वापस से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि वो अभी फिलहाल जो है सप्लाई जिस हिसाब से डिमांड है उससे सप्लाई को मीट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से, इस तरीके की अपडेट्स निकलने की वजह से हम देख रहे हैं कि वापसी से सोना चांदी कच्चा तेल सब में एक बार फिर से उछाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि एक बार फिर से कच्चा तेल जो 100 डॉलर के नीचे लुढ़का था वापसी से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ से मानकर चलिए कि जो तेजी है वो वापसी से हावी हो सकती है और एक बार फिर से कच्चा तेल आग उबलता हुआ दिखाई दे सकता है और इसका इम्पैक्ट जो है सभी अदर कमोडिटीज के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें लग रहा है कि एक बार कच्चा तेल 108 डॉलर से 110 डॉलर तक एक बार फिर से तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है।
जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर आप बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज हरे निशान पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी डाउन है, 4.6 डॉलर्स पर ट्रेड कर रहा है कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में 1% की गिरावट के साथ। वहीं पे बात करें अगर निकल की, तो निकल 2400 के लेवल्स पर है, जिंक 320 पर और MCXLite 182 पर। रूपा जी बेस मेटल्स में आपकी क्या राय रहेगी आज? देखिए बेस मेटल में भी मेरी राय पॉजिटिव ही है और बेस मेटल में भी स्टिल बाइंग नहीं रहना चाहिए। और अभी देखिए जो निकल है, निकल अभी जो है वो अभी भी ओवरबॉट जोन में है, 2430 पर हम डोमेस्टिक मार्केट में उसको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो कीमतें हैं उसकी 1900-2000 के बीच सस्टेन हो सकती है। जबकि कॉपर भी 780-820-840 की रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। हल्की करेक्शन आने पर उसमें अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध वाली स्थिति जो है फिर से गहराती है तो वापस से आप देखेंगे कि सभी कमोडिटीज के ऊपर एक पॉजिटिव रुझान आता हुआ दिखाई देगा और सभी में एक बार फिर से तेजी बन सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और उस अपडेट पर नजर रखते हुए हर बेस मेटल में भी मुझे लगता है कि निचले स्तर पर खरीदारी की रणनीति रखकर चलना चाहिए। जी रूपा जी टॉपिक्स के देने चाहेंगी आप नॉन एग्री कमोडिटीज में? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज में मुझे लगता है कि आज सोने और चांदी में खरीदारी की जा सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।